स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है Redmi Note 5, तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ इनेबल कैसे करें पावर सेविंग मोड को। आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में आप बड़े आसानी से पावर सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है, कहीं से भी आप कर लें। तो मैं कर लेता हूँ फ्रेंड, जैसे कि देख लेता हूँ मेरा सेटिंग्स फ्रेंड मिल नहीं रहा है। तो ये सेटिंग्स मिल चुका है, तो सेटिंग्स को मैंने ओपन कर लिया है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे सर्च सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ये हर एक फोन का फोन में होता है सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन। सर्च सेटिंग्स में क्लिक कर दे, इसमें क्या लिखना है आपको, पावर सेविंग मोड इनेबल। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, ये हर एक फोन में होता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ जो कि सेटिंग्स जो है हर एक फोन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। किसी किसी फोन में नहीं होता है तो मैं उसके लिए दूसरा तरीका बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड बैटरी परसेंटेज, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेवर, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ से आप पावर सेविंग इनेबल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जैसे कि आपको जो है यहाँ से जो है जो भी आपका बैटरी जो एक्स्ट्रा खपत हो रहा था 27 मिनट एड, जो कि 27 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा था ये बैटरी, तो आप इस तरह से इनेबल कर सकते हैं, अपने बैटरी बचा सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।